और अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के आतंकियों ने सीमा पार से घुसपैठ की, बहुत बड़ी साजिश रची है। सूत्रों के मुताबिक पीओके में आतंकियों के 18 ट्रेनिंग कैंप और 37 लॉन्च पैड एक्टिव हैं। और आपको ये भी बता दें कि इन लॉन्च पैड से 200 आतंकी भारत की सीमा में घुसपैठ करने की फिराक में इस वक्त है। बताया ये भी जा रहा है कि इन आतंकियों को पाकिस्तान की सेना जंगलों में ट्रेनिंग दे रही है। सूत्रों के मुताबिक पीओके में इन आतंकियों को पाकिस्तान के SSG कमांडोज ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। कोमल ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ गई है। कोमल, इससे पहले भी ये खबर सामने आती रही है और ये भी अगर कहें तो गलत नहीं होगा कि एक बार फिर से जो पीर पंजाल के कुछ इलाके हैं वहां से घुसपैठ की कोशिश होगी, चूंकि अब बर्फबारी और बढ़ने वाली है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, बर्फबारी बढ़ने वाली है, मौसम में बदलाव आने वाला है। तो ऐसे में इसी मौसम का इंतजार करते हैं कि पीर पंजाल राजौरी पुंछ जो LOC है वहां से कैसे इन्होंने घुसपैठ की कोशिश करनी है। आपको बता दें अलबदर, जैश, लश्कर और हिजबुल, इनकी चाल ही यही रही है कि कब नई किस तरह के तरीके की नई टेक्निक की ट्रेनिंग देनी है। हालांकि आपने देखा वाहनों पे हमला करने की तो इनकी साजिशें चल ही रही हैं। ये एक नई टेक्निक इन्होंने शुरू की कि वाहनों पे हमला करना है, ड्रोन के जरिए आपने देखा किस तरह से ड्रोन ड्रॉपिंग हो रही है, कैश भी उसमें बरामद हो रही है। तो ऐसे में ये जो बड़ी खबर है कि 37 लॉन्चिंग पैड है जो एक्टिव है और 200 से ज्यादा आतंकी घुसपैठ की कोशिश करने में लगे हुए हैं। तो बिल्कुल कमल, और ये बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। SP नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर के बहाने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण में बीजेपी की ना कोई भूमिका है और ना ही कोई योगदान। उन्होंने कहा कि बीजेपी राम मंदिर की मार्केटिंग कर रही है और धर्म की मार्केटिंग कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ शिकायत दर्ज। एडवोकेट विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस CPC की शिकायत, आपत्तिजनक बयान देने का आरोप। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आलोक कुमार ने स्वामी प्रसाद और बर्ख पर जमकर बोला हमला। आलोक कुमार ने दोनों नेताओं पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर किया हमला, सनातन का विरोध करने पर निशाना साधा। कांग्रेस ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की निंदा की। UP कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने नसीहत दी कि स्वामी प्रसाद को अपनी बदजुबानी पर कंट्रोल करना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादास्पद बयान पर किया पलटवार। का समाजवादी पार्टी किसी भी रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य के विचारों का समर्थन नहीं करती। बिहार बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। कहा स्वामी प्रसाद मौर्य हो या स्टालिन के बेटे उदयनिधि, ये सनातन विरोधी हैं। अयोध्या में जगत गुरु परमहंस आचार्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर SP सांसद डिंपल यादव का बयान। कहा अगर न्योता मिलेगा तो जरूर जाएंगे। JDU नेता KC त्यागी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर दिया बयान। कहा निमंत्रण मिलेगा तो जरूर जाएंगे अयोध्या। अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर CPM महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि उनकी पार्टी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी। CPIM नेता बृंदा करात ने कहा उनकी पार्टी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होगी। हम धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हैं लेकिन बीजेपी इसे राजनीति से जोड़ रही है। बृंदा करात ने प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आने पर बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जिन्हें भगवान श्री राम ने बुलाया वो वहां पहुंचेंगे। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा जो पहले से राम जी का मंदिर बनने ही नहीं देना चाहते थे वो प्राण प्रतिष्ठा में आएंगे नहीं।